हमारा नेक्स्ट टॉपिक था फैटी एसिड्स। ये क्या होते हैं केमिकली? फैटी एसिड्स क्या होते हैं? रासायनिक रूप से वसी अम्ल एलिफैटिक कार्बन श्रृंखला के साथ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं? एलिफैटिक कार्बन चेन के साथ में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। ये जंतु व वनस्पति वसा और तेल या मोम के एस्टेरिलाइज रूप से प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले वसी अम्ल बिना शाखाओं वाले होते हैं, यानी अनब्रांच्ड होते हैं। वसी अम्ल 4 से लेकर 28 कार्बन यानी लंबाई में अलग अलग की श्रृंखला में संतृप्त या असंतृप्त यानी सैचुरेटेड या फिर नॉन सैचुरेटेड हो सकते हैं। सभी एसाइक्लिक एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को मोटे तौर पर इस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। अब ये दो तरह से हैं, कौन कौन से हैं? पहला है सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब ये क्या होते हैं इसके बाद हम देखेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में इस चेन के साथ एकल बंध या अन्य कार्यात्मक समूह होते हैं। संतृप्त यानी सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? अधिकतम हाइड्रोजन को संदर्भित करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन का पाया जाना क्या कहलाएगा? संतृप्त। जितना इसमें हाइड्रोजन होगा उतना ये कैसा होगा? ये संतृप्त होगा, सैचुरेटेड होगा। अर्थात सभी कार्बन में जितना संभव हो उतना हाइड्रोजन होता है। मतलब संभव होने से मतलब क्या है? जितनी उसको आवश्यकता है उसमें हाइड्रोजन की कमी ना हो, ऐसे में क्या होगा उसको क्या कहेंगे हम? सैचुरेटेड या फिर संतृप्त कहेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह को छोड़कर या श्रृंखला के अंदर कार्बन में दो हाइड्रोजन परमाणु और तीन हाइड्रोजन परमाणु CH3 होते हैं जो ओमेगा छोर पर उपस्थित होते हैं। किस साइड पर होते हैं? ओमेगा की साइड पर। संतृप्त वसा अम्लों को श्रृंखला की लंबाई के आधार पर छोटी श्रृंखला C2 से C6 तक, मध्यम श्रृंखला C8 से C10 तक, लंबी श्रृंखला C12 से C22 तक और बहुत लंबी श्रृंखला C24 के रूप में विभाजित किया जाता है। ये सभी एक ही सामान्य सूत्र का पालन करते हैं जो कि क्या है? CH3 CH2 एंड COOH। यहाँ पर N क्या है? कार्बन की कुल संख्या 2। जंतुओं में वसायुक्त ऊतकों में कई लंबी श्रृंखला वाले संतृप्त वसी अम्ल होते हैं। किसमें? एनिमल्स में, जो उनके फैटी टिश्यूज होते हैं, है ना, उनमें कई लंबी श्रृंखला यानी जो फैटी एसिड्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? चेन के रूप में होते हैं, लंबी चेन के रूप में होते हैं। संतृप्त वसी अम्ल होते हैं। संतृप्त वसी अम्ल का क्या मतलब हो गया? जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा पूर्ण है। सीधी श्रृंखला में संतृप्त वसी अम्ल बहुत कसकर एक साथ पैक किए जाते हैं, मतलब टाइटली बॉन्ड होते हैं ये, जिससे घने रासायनिक ऊर्जा संग्रह की अनुमति मिलती है। क्योंकि जितने टाइटली ये बॉन्ड होंगे उतनी ही ज़्यादा ये एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे अधिक पाए जाने वाले संतृप्त वसा जिसके सोर्स हैं जंतु वसा उत्पाद जैसे कि क्रीम, पनीर, मक्खन, विभिन्न वसायुक्त दूध डेयरी उत्पाद और वसायुक्त मांस संतृप्त वसा में उच्च खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं। क्या क्या हैं? फैट के सैचुरेटेड फैट के एग्जांपल कौन कौन से हैं? जैसे कि क्रीम है, पनीर है, मक्खन और वसायुक्त दूध डेयरी प्रोडक्ट या वसायुक्त मांस ना मीट वगैरह जो होता है, और वसा के ये सारे क्या हैं? खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए नारियल का तेल और ताड़ के तेल में संतृप्त वसा का उच्च प्रतिशत होता है। इसका जो बायोमेडिकल इम्पॉर्टेंस है वो क्या है? जैव चिकित्सा महत्व। संतृप्त वसा अम्ल का सेवन प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकता है और हृदय धमनी रोग के जोखिम को बढ़ा सकता है। कहते हैं ना ज़्यादा फैट नहीं लेना चाहिए। फैट लेने से क्या होता है? हार्ट में जो वेंस होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनमें उनके सर्कुलेशन में प्रॉब्लम जाती है, जिससे हार्ट अटैक पड़ने का खतरा रहता है। इसीलिए सभी चीज़ों के लिए एक नियमित मात्रा को नियमित किया गया है। इसके बाद है दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये क्या होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स? इनमें
कार्बन परमाणु श्रृंखला में एक या एक से अधिक द्विबंध। अच्छा, इससे पहले क्या थे, वो एकल बंध थे, है ना, ये कैसे हैं द्विबंध यानी डबल बॉन्ड वाले कार्यात्मक समूह होते हैं। जैसे डबल बॉन्ड में क्या आ जाएगा, सी एच डबल बॉन्ड सी एच। अंश एल्केन के माध्यम से श्रृंखला में, श्रृंखला के एकल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू भाग अर्थात कार्बनिक द्विबंध से दूसरे कार्बन को प्रतिस्थापित करता है। ट्रांसवसीय अम्ल ज़्यादातर तब उत्पन्न होते हैं जब तरल वनस्पति तेल हाइड्रोजनीकृत यानी हाइड्रोलाइज्ड या हाइड्रोजनेटेड होता है कृत्रिम मक्खन उत्पादन के दौरान, जैसे कि हम जब मक्खन को निकालते हैं उस तरह से। अब इसके सोर्स कौन से हैं, मक्खन में ट्रांस असंतृप्त वसीय अम्ल के बहुत सामान्य स्तर होते हैं, जबकि आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल मानव आहार में प्रमुख स्रोत होते हैं, उदाहरण के लिए मार्जरीन। कई व्यावसायिक पके हुए पदार्थ जैसे कि केक और कुकीज, साथ ही फ्रोजन पिज़्ज़ा और अधिकांश तले हुए व्यंजन में ट्रांस असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, इसीलिए कहते हैं ना हानिकारक होते हैं, इनका ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ये असंतृप्त होते हैं, असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। अब इसका जो बायोमेडिकल इम्पॉर्टेंस है वो क्या है, आवश्यक वसीय अम्ल के साथ ट्रांस वसीय अम्ल के बीच प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप आवश्यक वसीय अम्ल की कमी हो सकती है। इसके अतिरिक्त असंतृप्त वसीय अम्ल के लिए ट्रांस वसीय अम्ल की संरचनात्मक समानता हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया और एथेरोस्क्लेरोसिस को समान रूप से बढ़ावा देती है। इसका दूसरा है सिस वसीय अम्ल या सिस फैटी एसिड। ये अपनी श्रृंखलाओं में डबल बॉन्ड की मात्रा के आधार पर दो समूहों में विभाजित है, एक है मोनोइनोइक एसिड। इस सिस वसीय अम्ल में केवल एक द्विबंध होता है, क्योंकि मोने है इसलिए बॉन्ड जो होगा वो कैसा होगा, वो एक होगा। और फिर दूसरा है बहु असंतृप्त वसीय अम्ल या पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, जिसे पूफा भी कहते हैं। इसकी संरचना में एक से अधिक द्विबंध होते हैं, बहु है तो सीधी सी बात है कि दो से ज़्यादा होंगे। इनमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 पूफा कुछ कुल शामिल होते हैं, जो दोनों का बहुत महत्व है। इसके बाद है वसीय अम्ल का पोषण संबंधी वर्गीकरण या न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड। अब ये कौन कौन से होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है कि आवश्यक वसीय अम्ल भी होते हैं और अनावश्यक भी होते हैं, है ना, दोनों तरह से। तो आवश्यक वसीय अम्ल क्या है, चूँकि वे मानव शरीर में निर्मित नहीं होते, उन्हें भोजन के माध्यम से सेवन करना चाहिए। हमारे शरीर में जो फैटी एसिड्स होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, आवश्यक होते हैं, कुछ अनावश्यक होते हैं। अब जो आवश्यक होते हैं वो हमारे शरीर में स्वयं नहीं बनते, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें इस तरह का भोजन ग्रहण करना होता है जिससे उन वसीय अम्लों की पूर्ति हो सके। ठीक है, जैसे अल्फा लिनोलेनिक और लिनोलेइक अम्ल आवश्यक वसीय अम्ल हैं। मानव शरीर में लिनोलेइक एसिड से एराकिडोनिन किडोनिक एसिड का उत्पादन होता है, हालांकि लिनोलेइक एसिड की कमी से एराकिडोनिक एसिड को एक आवश्यक वसीय अम्ल भी माना जा सकता है। दूसरा है आवश्यक वसीय अम्ल की कमी के लक्षण, मतलब जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं और उनकी कमी हो जाती है तो क्या उससे इफ़ेक्ट पड़ता है। नवजात शिशुओं में त्वचा शोथ, वसीय यकृत यानी फैटी लीवर, विकास मंदता यानी डेवलपमेंट में का धीमे होना, स्लो होना, और दोषपूर्ण शुक्राणु यानी प्रॉपर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होना, मस्तिष्क या रेटिना, सभी एक आवश्यक वसीय अम्ल की कमी के लक्षण होते हैं। दूसरा है अनावश्यक वसीय अम्ल। अब ये क्या होते हैं, ये अन्य सभी वसीय अम्ल होते हैं जो मानव शरीर में बड़ी मात्रा में उत्पन्न होते हैं। जो अनावश्यक होते हैं वो हमारे शरीर में स्वतः ही बनते हैं, लेकिन जो आवश्यक होते हैं वो हमें भोजन के माध्यम से ग्रहण करने होते हैं, ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट से। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इन्हें आहार में शामिल किया जाए, क्योंकि ये हमारे शरीर में स्वयं ही बनते हैं। कौन से बनते हैं, अनावश्यक वसीय अम्ल। ठीक है।
तो यहाँ तक हुआ हमारा फैटी एसिड, इसके आगे का हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।